हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। हम लोग एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका 2018 और 2K15 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में क्वेश्चन है आपका, ए FM मॉड्यूलेटेड वोल्टेज इज गिवेन बाय ई FM ऑफ टी इज इक्वल टू 12 cos 6 इंटू 10^8 t प्लस 5 sin 1250 t वोल्ट्स। फाइंड, पहला क्वेश्चन है आपका कैरियर एंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ये आपको निकालना है। तो देखिए, जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, FM मॉड्यूलेटेड वोल्टेज इज गिवेन एज, क्या दिया हुआ है, ई FM ऑफ टी इज इक्वल टू 12 cos 6 इंटू 10^8 t प्लस 5 sin 1250 t वोल्ट्स। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ FM, उससे कंपैरिजन करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ FM इज गिवेन एज, क्या होता है, ई इज इक्वल टू ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस MF साइन ओमेगा एस टी। ओमेगा एस टी लिखिए या ओमेगा एम टी लिखिए, एम मीन्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ पे सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है आपका, ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल या डायरेक्ट सिग्नल, सब एक ही चीज है। तो यहाँ पे ओमेगा एस लिखिए, मीन्स सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, या आप ओमेगा एम ऑफ टी लिख सकते हैं, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, दोनों सेम चीज है। अब इस इक्वेशन को अगर कंपेरिजन कीजिएगा तो यहां पे देखिए, कंपैरिजन करने पे आपको पहले क्या निकालना है, क्वेश्चन ए में है आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा सी बाय 2 पाई। क्योंकि यहां पे देखिए, ये आपका कंपैरिजन कीजिए, यहां पे ओमेगा सी इज इक्वल टू कितना है, 6 × 10^8, और हमको निकालना क्या है, FC, और FC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई FC। तो यहां से FC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा सी बाय 2 पाई, तो ओमेगा सी बाय 2 पाई। आपको ओमेगा सी दिया हुआ है कितना है, 6 × 10^8 / 2 पाई। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, 95.5 × 10^6 Hz, ये आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी। सिग्नल फ्रीक्वेंसी मींस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्नल फ्रीक्वेंसी बोलिए या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बोलिए, सेम चीज है। एफ ऑफ एस या एफ ऑफ एम सेम है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा एस बाय 2 पाई। ओमेगा ऑफ एस या ओमेगा ऑफ एम सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं करना है। यहां पे कितना दिया है, ओमेगा ऑफ एस कितना है, 1250, तो 1250 / 2 पाई। इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 199 हर्ज। अब देखिए, बी में आपको क्या निकालना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहां पे देखिए, ये दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करने पे यहां पे MF का वैल्यू कितना है, 5, और MF क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हो गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स MF इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। ये दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन कीजिए, ये और ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन FM का है, तो ये आपका क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 5 आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन मींस डेल ऑफ F निकालना है। तो डेल ऑफ F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ऑफ F इज इक्वल टू MF इंटू F ऑफ S। F ऑफ S मींस सिग्नल फ्रीक्वेंसी या मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, डेल ऑफ F इज इक्वल टू
डेल ऑफ एफ इज इक्वल टू हम लिखे एम ऑफ एफ इंटू एफ एस। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एफ बटे एफ एम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन बाय मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इंटू एफ एस। ये आपका यहाँ पे एफ एस ले रहे हैं तो यहाँ भी एफ एस लीजिए, एफ एस एफ एस कट गया तो क्या आ जाए डेल एफ आया, तो हम इसको लिख सकते हैं एम एफ इंटू एफ एस। वैसे डेल एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ई एम होता है, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड हमको नहीं दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उससे हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, एम एफ आपका कितना है 5 और एफ एस कितना निकला है 199 हर्ज। इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, 199 को 5 से कीजिए 995 हर्ज। तो इस तरह से आपका निकल गया, हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी निकालिए, सिग्नल फ्रीक्वेंसी निकालिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालिए और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालिए। तो ये आपका 2018 और 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन एफएम सिग्नल हैविंग ए कैरियर स्विंग ऑफ 100 किलोहर्ट्ज एंड द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 किलोहर्ट्ज। क्या क्या दिया हुआ है, कैरियर स्विंग दिया हुआ है, कैरियर स्विंग इज इक्वल टू कितना है 100 किलोहर्ट्ज, और क्या दिया है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एफएम कितना दिया है 8 किलोहर्ट्ज। एफएम या एफएस, सिग्नल फ्रीक्वेंसी या मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, एफएम लिखिए या एफएस लिखिए, बात बराबर है। तो देखिए कैरियर स्विंग इज इक्वल टू क्या होता है, कैरियर स्विंग इज इक्वल टू 2 इंटू डेल एफ होता है ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो 2 डेल एफ इज इक्वल टू कितना दिया है 100 किलोहर्ट्ज, तो यहां से डेल एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 किलोहर्ट्ज आ गया, और आपका क्या दिया है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एफएम दिया है 8 किलोहर्ट्ज, और निकालना क्या है आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम एफ इज इक्वल टू क्या होता है डेल एफ बाय एफ एम। डेल एफ आपको पता है कितना है 50 किलो हर्ज है और एफ एम कितना है 8 किलो हर्ज है, कितना जाएगा 8 6 48 2 20 8 2 16 8 5 40 6.25। आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना गया 6.25। तो आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।